टेक फैमिली आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लावा युवा सास स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग हम कल करने वाले हैं। दोनों का बजट वैसे मैं बता देता हूँ, लावा युवा स्टार का बजट आपको 5,000 से 6,000 देखने को मिलता है एंड लावा युवा 3 का बजट रेंज आपको ये आपको 7,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। प्राइस अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे ऊपर नीचे जा सकता है, प्राइस फिक्स नहीं होता, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। वैसे लिंक मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको साइड में रखता हूँ एंड इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं अभी लावा युवा स्टार की। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ़ोन को साइड में रख देता हूँ, फ़ोन हो गया अपना साइड पर। ये रहा हमारा कटर, ओपन करें। ये चीज़ मेरे को हमेशा से अच्छी लगती है भाई, फ़ोन को अनबॉक्स करना। देखते हैं स्मार्टफोन। अभी मैंने आपको पीछे स्पेसिफिकेशन नहीं बताए, मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ सबसे पहले आपको। तो फोकस में लेकर आता हूँ, अभी आ गया। तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा इसमें आपको। वेट, अभी ठीक है। 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। 13MP के साथ डुअल कैमरा, 5MP के साथ सेल्फी है। 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉक भी मिल जाता है, मतलब इतने बजट रेंज में ये चीज़ें मिलना अच्छी बात है। एंड आपको 6.75 इंच के साथ HD+ नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 16 रिफ्रेश रेट के साथ है। प्रीमियम ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। 10W का चार्जर मिलेगा। Type-C USB केबल है इसके साथ मिल जाती है एंड Android 14 पे बेस्ड होने वाला है। हर एक चीज़ अच्छी है एंड ये ना आपको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अगर आपको एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए तब भी आपके लिए ये स्मार्टफोन सच में बहुत अच्छा होगा। तो स्पेसिफिकेशन बता दिए एंड फ्री सर्विस एट होम प्रोवाइड कर रहे हैं, यार अच्छी बात है ये भी। स्मार्टफोन का बॉक्स ऐसे देखने को मिलता है। अभी सील ब्रोकन करनी है भाई, सील अभी ओपन नहीं की नीचे वाली, इसको ओपन कर दिया। ये भी ओपन होगी, हो जा भाई ओपन, हो जा। वेट 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 वेट, आ गया। ठीक है भाई, कटर को भी बंद कर दूँ, मेरे हाथ ही ना लग गए। ये रहा हमारा स्मार्टफोन, अनबॉक्सिंग करते हैं। खुल जा सिम, आ गया बाप। ठीक है भाई, एक बॉक्स में से इसको हमेशा की तरह से यहाँ पर रखते हैं बिकॉज ये अच्छा लगता है ऐसे फोन का कवर। तो एक बॉक्स में से एक और बॉक्स मिला जिसमें हमें कवर मिल रहा है, केस मिल रहा है। केस की क्वालिटी चेकआउट करते हैं, बताता हूँ आपको कैसी है कैसी नहीं है। स्पंज, ये रहा हमारा कवर। कवर की क्वालिटी ठीक है, मतलब एक दो मंथ आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये येलो पड़ने वाले हैं एंड आपको आफ्टर मार्केट यूज़ करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते लेकिन ठीक है यार, प्राइस के अकॉर्डिंग कवर दे रहे हैं साथ में वो भी अच्छी बात है एंड केबल दे रहे हैं वो भी प्लस पॉइंट है। बिकॉज ज़्यादातर स्मार्टफोन ऐसे आते हैं जो आपको केबल वगैरह भी प्रोवाइड करके नहीं देते। इसका सिम इंजेक्टर होना चाहिए था यहाँ पर, अबे है नहीं यार सिम इंजेक्टर। चलो देखते हैं बॉक्स में, आगे देखते हैं शायद वहाँ पर पे आगे जाकर मिल जाएगा भाई। ये रहा हमारा स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के पीछे तो स्मार्टफोन को साइड में रखता हूँ, ये देखता हूँ क्या है। विद इन 24 आवर्स सर्विस प्रॉमिस, ओके ठीक है भाई, 24 आवर्स में ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज़ फ्री सर्विस एट होम, ओके पैन इंडिया सर्विस, ओके ठीक है भाई, ये पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी 24 आवर्स में, अच्छी बात है। कोई और स्मार्टफोन ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करके देता, सिर्फ लावा स्मार्टफोन ही ये चीज़ प्रोवाइड करके दे रहा है। विद इन 24 आवर्स सर्विस प्रॉमिस, इसको साइड में रखते हैं अभी। ये अबे सिम इंजेक्टर ये रही हमारी, इसको ही देख रहा था मैं। ज़्यादातर ना ये वो उस बॉक्स में होती है लेकिन उसमें नहीं थी, इसको यहाँ पर रख दूँ। ठीक है, अच्छी लग रही है ना वैसे। केबल की क्वालिटी चेक आउट कर लेते हैं, केबल की क्वालिटी तो ये रही भी हमारी केबल। केबल की क्वालिटी ठीक है, इतनी चीप भी नहीं कह सकते एंड इतनी अच्छी भी नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन हमने तो फ़ोन ही चार्ज करना है यार, घर में वैसे भी टाइप सी चार्जर ही अभी सब तक आते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि टाइप सी चार्जर सारे घरों में पड़े होते हैं, हर एक घर में जितने भी स्मार्टफोन एंड्रॉयड वगैरह यूज़ कर रहे हैं बंदे। अभी ये निकलेगा कि नहीं, निकल गया। अभी चार्जर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि इसकी भी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर इसको रख दूँ, नहीं लग रहा है वैसे, यार रख ही देता हूँ। बॉक्स को साइड में रखते हैं, अभी करते हैं हम अपने स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। ये रहा हमारा स्मार्टफोन लावा स्टार,
अबे देखने में मतलब ऐसे जैसे पैक किया हुआ ना, ये स्लिम एंड स्टाइलिश सा लग रहा है, मतलब हाथ में, एक हाथ में इजीली हैंडल हो रहा है, अच्छा लग रहा है यार, टच अच्छा लग रहा है भैया। ओपन करते हैं। हाँ जा भाई, खुल जा सैमसंग। ये रहा हमारा स्मार्टफोन, मैंने वाइट कलर में ऑर्डर किया है, सेक्सी कलर है यार, कलर बहुत ज़्यादा सोना, मतलब 5 to 6 thousand के बजट रेंज में अगर मैं इसके डिज़ाइन लुक की बात करूँ ना भाई, सच में बहुत अच्छा लुक डिज़ाइन है आप सभी के सामने। वाइट कलर सच में अच्छा लग रहा है, मेरे को फोटोज़ में अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी हाथ में पकड़ा हुआ है सोना लग रहा भैया। तो राइट हैंड साइड आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, 3.5 mm जैक मिल जाता है, साइड में आपको सिम इंजेक्टर पिन यहाँ पर मिलेगा, ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं है। मेरे को अच्छा लगा यार, मतलब 5 to 6 thousand के बजट रेंज में आते क्या। अभी मैं रिबूट कर रहा हूँ, ऐसा करूँगा थोड़ा सा स्किप करूँगा, बिकॉज सेटिंग करते करते ना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा स्किप करूँगा, तो वो चीज़ आप देख लेना ठीक है। तो गाइस स्मार्टफोन की सेटिंग मैंने कर ली है, तो डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो आपको 6.75 इंच के साथ आपको IPS LCD देखने को मिलेगी, नॉच डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाती है, एंड 16 रिफ्रेश रेट है, तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है यार। बजट रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब 5 से 6 हज़ार के प्राइस रेंज में आपको इतना अच्छा स्मार्टफोन मिल रहा है। लुक डिज़ाइन आप देख सकते हो, 9 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी, स्लिम एंड स्टाइलिश बोल सकता हूँ, बिकॉज हाथ में पकड़ा हुआ है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है, एंड एक हाथ से आपने स्मार्टफोन को बिल्कुल मैं ईजिली यूज़ कर सकता हूँ, कहीं पर भी अगर मेरे को टच करना है तो मैं इजीली टच कर सकता हूँ, चाहे ऊपर साइड चाहे नीचे साइड, तो एक हाथ से मतलब आप यूज़ कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को। 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा, ऑक्टा कोर CPU देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है, टाइप सी केबल देखने को मिलेगी, 10 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, एंड ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉयड 14 पे बेस्ड देखने को मिल जाता है। मैं आपको शो कर ही देता हूँ, तो अपना ये रहा किधर गया यार, ये रहा अपना एंड्रॉयड 14 पे ये स्मार्टफोन बेस्ड होने वाला है, 5000 mAh की बैटरी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, तो एक दिन आपका नॉर्मली इजीली निकलने वाला है, जितना स्मार्टफोन यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, एंड फेस अनलॉक ID वगैरह भी देखने को मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन आपको मेड इन इंडिया देखने को मिल जाता है, फ्री सर्विस एट होम भी देखने को मिल जाती है, एंड इसके कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले फ़ोटोज़ क्लिक आउट करके दिखा देता हूँ आपको। पहले ये रही भाई, तो ये फ़ोटो मैंने अभी आपके सामने क्लिक आउट की है, इसका फ़ोटो का रिज़ल्ट सच में अच्छा आ रहा है। वैसे इसकी फुल वीडियो करूँगा कैमरा क्वालिटी की, कैमरा कैसा होने वाला है कैसा नहीं होने वाला, कैमरे के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि 13 MP के साथ आपको मेन कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एंड आपको साइड में राइट हैंड साइड आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा आपको 5 MP के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ठीक है। तो भाई बाय करना है कि नहीं करना है स्मार्टफोन को, ये आपका डिसीजन है, लेकिन अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने अपने चैनल पे कर दी है, अभी फुल रिव्यू वीडियो करूँगा ठीक है, 5-6 दिन इस स्मार्टफोन को यूज़ करूँगा कि गेमिंग के लिए कैसा है, कैमरा क्वालिटी कैसी है, बैटरी कैसे होने वाली है, हर एक चीज़ आपको वो रिजल्ट दिखाऊंगा कि बाय करना चाहिए ये स्मार्टफोन या नहीं बाय करना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। वैसे मैं अभी इसके टच के अकॉर्डिंग देखूँ या फ़ोन के लुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं ना, सच में वैल्यू फॉर मनी मेरे को ये स्मार्टफोन लग रहा है, बिकॉज़ इसका लुक, इसका डिज़ाइन, इसका वाइट कलर सच में बहुत प्यारा है। मैंने बाय किया तो मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई इतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ पर ना ये पर्पल शेड मार रहा था, मैंने कहा चलो फिर भी वाइट कलर बाई कर लेते हैं, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि मैंने, अच्छा हुआ कि वाइट कलर बाई कर लिया, लुक अच्छा है, सेक्सी है यार, मतलब 5 से 6 हज़ार के बजट रेंज में आज आजकल भाई आता ही क्या है, आपको एक अच्छा स्मार्टफोन बाई करने के लिए मिल रहा है तो और क्या चाहिए। अगर आप अपना बजट बहुत कम लेकर जा रहे हो तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो रिव्यू वीडियो भी वैसे देख के जाना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा ठीक है।